जय हिंद साथियों। दोस्तों एसएससी के द्वारा यहाँ पर नोटिस निकाला गया है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस में बताया गया है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 20/2/2024 से 7/3/2024 के बीच, ठीक है, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया है और जिसके कारण कुछ लोगों का एग्ज़ाम में जो टेक्निकल इशू आया है इन लोगों का री एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, री एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, तो यहाँ पर डेट भी दे रखा है कि री एग्ज़ाम ऑन 30/3/2024 फॉर दोज कैंडिडेट हु हैड अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। जो लोग इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे वही लोग दोबारा दे सकते हैं एग्ज़ाम। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वेबसाइट के माध्यम से उन लोगों को सूचित कर दिया जाएगा और यहाँ पर किन किन लोगों का री एग्ज़ाम होगा उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है कि कौन कौन से सेंटर का होगा, आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए किसका किसका री एग्ज़ाम होगा और टोटल कैंडिडेट कितने हैं, जैसे यहाँ पर सेंटर का नाम दे रखा है। ठीक है, और रीजन सीआर है, सिटी कानपुर है, डेट यहाँ पर 5/3/2024 को हुआ था। ठीक है, शिफ्ट नंबर 2 और यहाँ पर 126 कैंडिडेट थे। तो इस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं, यदि आप भी इस जोन के हों या फिर इस सेंटर पर आपका भी परीक्षा हुआ हो, आप अपना शिफ्ट वाइज भी मिला लीजिएगा कौन से शिफ्ट में हुआ है, तो इन लोगों का री एग्ज़ाम कराया जाएगा, आप इसमें मिला सकते हैं सभी सेंटर का नाम। ठीक है, टोटल 16,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट हैं, टेक्निकल इशू आने के कारण इन लोगों का एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा, आप यहाँ पर देखते रहिए। ठीक है, हर क्षेत्र मतलब हर जोन, जैसे सीआर हो गया, एनआर हो गया, एनईआर हो गया, ठीक है, तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट हैं, टेक्निकल इशू के कारण इनका दोबारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 16,185 लोगों का एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, और टोटल 81 शिफ्ट के एग्ज़ाम में टेक्निकल इशू आ गया था और दोबारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। बाकी और भी जो भी सूचना आएगी आपको ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगी। यहाँ पर 30/3/2024 को री एग्ज़ाम कराया जाना संभावित है। ठीक है, बाकी जो लोग आंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर की अब सबका साथ ही में आएगा, अभी तक तो आंसर की नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। जय हिंद।